दोस्तों, टैक्स फ्री फिक्स डिपॉजिट स्कीम वह स्कीम होती है जिसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और आपके द्वारा जमा किए गए रकम में आपको टैक्स फ्री मिलता है। उस जमा रकम में आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन सी बैंक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रही है 5 साल की टैक्स फ्री FD स्कीम में, और साथ ही साथ हम पोस्ट ऑफिस के भी टैक्स फ्री FD स्कीम के बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित 3 माउंटेन यूट्यूब चैनल। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हमेशा नए अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टैक्स फ्री फिक्स डिपॉजिट स्कीम में सबसे पहले बात करेंगे सरकारी बैंकों की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जनरल के लिए 4.9%, बैंक ऑफ इंडिया में जनरल के लिए 5.2%, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों में जनरल के लिए 5.25%, यूको बैंक में जनरल के लिए 5.3%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.35% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को जनरल से 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलता है। अब हम आगे जानेंगे और भी सरकारी बैंकों के बारे में। पंजाब एंड सिंध बैंक में जनरल को 5.40% और सीनियर सिटीजन्स को 0.5% अधिक 5.90%, इंडियन ओवरसीज बैंक में जनरल को 5.45%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों में ही जनरल के लिए 5.50% का इंटरेस्ट है, लेकिन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन्स को 6.30% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6% का इंटरेस्ट मिलता है। सरकारी बैंकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैनरा बैंक में मिलेगा 5.75% और सीनियर सिटीजन्स को 6.26% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। सरकारी बैंकों के बाद अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बंधन बैंक और IDBI बैंक में जनरल के लिए 5.6% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.35%। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में जनरल के लिए क्रमशः 5.75% का इंटरेस्ट रखा गया है, जबकि सीनियर सिटीजन्स में आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। एक्सिस बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.5%, फेडरल बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.4%, ICICI बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.5%, कोटक महिंद्रा बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.25%, HDFC बैंक में जनरल को 5.75%, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 6.5%, यस बैंक और IDFC बैंक में जनरल को 6.25% एक ही इंटरेस्ट रखा गया है, जबकि सीनियर सिटीजन्स में यस बैंक में 7% और IDFC बैंक में 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। RBL बैंक में जनरल को 6.3%, सीनियर सिटीजन्स को 0.5% ज़्यादा 6.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंडोसिंड बैंक में जनरल को 6.5% और सीनियर सिटीजन्स को 7%। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको DCB बैंक में इंटरेस्ट मिलने वाला है, जनरल के लिए 6.6% और सीनियर सिटीजन्स को 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम आगे जानेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इस साफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में जनरल के लिए 5.25% और सीनियर सिटीजन्स को 0.5% ज़्यादा यानी 5.75% का ब्याज मिलेगा। कैपिटल और इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोनों बैंकों में ही आपको जनरल के लिए 6% और सीनियर सिटीजन्स को 6.5% का ब्याज दिया जा रहा है। नॉर्थ इसार स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही बैंकों में जनरल के लिए 6.25% और सीनियर सिटीजन्स को नॉर्थ बैंक में 7% और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.75% का ब्याज दिया जा रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जनरल के लिए 6.6% जबकि सीनियर सिटीजन्स को 0.5% ज़्यादा 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन चारों बैंकों में ही जनरल के लिए 6.75% इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 0.5% अधिक यानी 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिलेगा, जनरल के लिए 7% और सीनियर सिटीजन्स को 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 6.8% और टाइम डिपॉजिट 5 ईयर में
6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।